देखिए, 2020 में हम लोगों ने किसानों को जोड़ के एक कंपनी बनाने की शुरुआत की थी, तो हमारे उनमें यही था कि किसानों की समस्याओं और जो उन पर हम काम करेंगे। समस्या ये थी, किसान वो तो कुछ भी लेता है लेकिन बाजार तक लाने में दिक्कत रहती है। लोकली कंजम्पशन की समस्या है, मार्केटिंग की, पैकेजिंग की समस्या है, उचित जानकारी का अभाव है, उसके रखने की तकनीक में कमी है, ज़मीन में खाद जितना डाल रहा है तो अच्छे अनाज की कमी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करते हुए हमने किसानों के साथ जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाया आहार से उपचार के नाम से, और उसका कन्वर्जेंस किया हमने ICDS एग्रीकल्चर पंचायती राज के साथ, और उसको सरकार ने सराहा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुपोषण से मुक्ति के लिए इतने सारे किए, तो एक ट्रिपल पी पार्टनरशिप हुई और फाइनली हमारे इन प्रोडक्ट से करीब 3 महीने में 94% रिजल्ट के साथ बच्चे ठीक हुए। यानी कि अगर 100 लोगों को दिया गया तो 94% उसमें ठीक हो गए। इसमें 6 महीने से लेकर करीब 45 साल तक के लोगों के लिए हमने उत्पाद बनाए हैं, और इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम किसानों को जोड़ पाए और किसानों को हम ये जागरूक कर पाए कि आपको अगर MSP से ज़्यादा रेट चाहिए तो आपको थोड़े ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने पड़ेंगे जो यहाँ की जनता की रिक्वायरमेंट है या उन कुपोषित बच्चों की रिक्वायरमेंट है, और इससे हम उनको MSP से ज़्यादा उत्पाद दे पाते हैं। दूसरा, हमने ऑर्गेनिक खेती का दायरा बढ़ाया है। तीसरा, हमने केमिकल से मुक्ति किसानों को दिलाने का एक प्रयास किया, और उनमें हमारा एक वादा था जो FPO का भी है कि कैसे जो प्रॉफिट रहता है उसमें से कुछ परसेंट लाभांश हम दे पाएँ जिससे और उनकी आय में वृद्धि हो। और करीब 4,500 किसान रामपुर में हमने जोड़े हैं, पूरे देश में करीब 15,000 हैं, तो रामपुर में आज करीब 17% किसानों को हमने 25 से 75% तक कहीं ना कहीं वृद्धि करने का प्रयास किया है। और इसमें मैं अपने किसानों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरी टीम जो हमेशा मेरे साथ रहती है और उसे ईमानदारी, लगन और ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है आपने UFO का जो उद्घाटन किया है और आपने देखा किस तरीके का जज्बा दिखा आपको किसान का, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि यहाँ पर एक अमित जी हैं, उन्होंने हमारे जनपद प्रशासन को का सहयोग लेते हुए न केवल किसानों को अपनी उपज का बेहतर वैल्यू मिल सके उसके लिए प्रोडक्ट बनाया है, चाहे वो जुगाड़ के माध्यम से एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी हो, चाहे वो किसानों के प्रोडक्ट को प्रोसेस करके जो ऐसे बच्चे जिनका जो है ग्रोथ नहीं होता, वृद्धि नहीं होती है उनकी हाइट की, उनके वेट की, या हमारी जो किशोरी बच्चियाँ हैं जिनका एक ग्रोथ का वक्त होता है, जो माएँ हैं जो दूध पिलाती है, माएँ जो कि होने वाली माँ हैं, गर्भवती महिला, उनके लिए स्पेशल किस्म का प्रोडक्ट, या किसी भी इंसान के लिए एक पौष्टिक आहार बनाने का उन्होंने एक शुरुआत किया है। बड़े छोटे से स्तर से उन्होंने शुरू किया, मुझे खुशी हुई कि आज वो 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, और आने वाले समय में, क्योंकि ये हमारी हम सब की ज़रूरत है, अगर हम इसको सही तरीके से करें तो ये बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा भविष्य बहुत आगे बढ़ सकता है। किसानों की ज़रूरत है, गांव-गांव की ज़रूरत है। आज जो किसान इनके साथ करीब 20,000 किसान जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में लाखों की संख्या में किसान जुड़ेंगे, हमारे प्रदेश से जुड़ेंगे, प्रदेश के बाहर से जुड़ सकते हैं, एक मॉडल खड़ा हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगर सही इरादा हो, अगर सही तरीके से आप ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हो, अपनी गुणवत्ता पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दें, तो इसका भविष्य बहुत अच्छा है। और मैं इसके लिए अमित जी को और हमारी जो जिला की टीम है, जिला प्रशासन की टीम, हमारे रविंद्र जी जो यहाँ पे कलेक्टर हैं, CDO यहाँ नंदकिशोर जी हैं, हमारे कमिश्नर आंजनेय जी हैं, इन सारे लोगों को बहुत बहुत